गाइस, कल ऑफिस में मुझे सोशल मीडिया के थ्रू एक न्यूज़ मिलती है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ किसी की बिल्डिंग में शॉफिट में 2 कैट्स फंस गई हैं जिनका निकलने का कोई साधन नहीं मिल रहा। तो फिलहाल मैं तो ऑफिस में थी नोएडा, और मेरे घर का जो डिस्टेंस है करीब 1-1.5 घंटा लगता है मुझे पहुंचने में। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और वहाँ कैट फूड का अरेंज करवाया कि एटलीस्ट 3 डेज हो गए तो कुछ उनको खाने को मिले ताकि वो कुछ सर्वाइव कर सकें, तब तक हम कोई इंतज़ाम करते हैं। फिर मैं ऑफिस से आई तो उस दिन कोई हेल्प नहीं हो सकी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की जो आंटी थी वो आउट ऑफ दिल्ली गई हुई थी और फर्स्ट फ्लोर की कोई चाबी नहीं थी, कौन ऑनर है वहाँ का कुछ नहीं पता चल रहा था। सेकंड फ्लोर में किसी को कोविड हो रखा था तो उन्होंने अपने घर में एंट्री देने से मना कर दिया। तो उस दिन मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी। उसके नेक्स्ट डे मैंने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करके वहाँ बुलाया। ये देखिए गाइड, वीडियो में आप देख रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड वाले हैं जो हेल्प के लिए आए थे। और इस शाफ्ट में 2 कैट्स ऊपर छत से गिर गई थी और 3 डेज से, ये देखो गाइस, ये 2 कैट्स आपको दिखी, एक ब्राउन और एक ब्लैक, वो बेचारी वहाँ 4-5 डेज से फंसी हुई थी क्योंकि जब मैंने उनकी हेल्प के लिए गई उस दिन वो 5 डेज था। तो देखो, अगर 5 दिन तक कोई इंसान वहाँ पे, कोई इंसान हो या जानवर हो, कोई भी जीव अगर फंसा है तो वाकई ये सिचुएशन बहुत हेक्टिक सिचुएशन है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, तो हुआ यूँ कि उस दिन कोई हेल्प नहीं हो पाई और नेक्स्ट डे मैंने चाबी का इंतजाम किया ओनर को, फर्स्ट फ्लोर वाला ओनर कौन है क्योंकि वो फ्लैट खाली रखा हुआ था वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से वहाँ के लोग इतने खराब थे, चाबी देने को राजी नहीं कि अंदर मरते हैं तो मर जाए, उनका ये कहना था। मतलब बहुत ही जद्दोजहद लगानी पड़ी और उनसे वो चाबी ली गई। उनको अपने नुकसान की लग रही थी कि तो फर्स्ट आपने पिक्चर देखी होगी कि जो जाली लगी हुई थी उनको ये लग रहा था कि ये जाली यहाँ से हटेगी तो इसको लगाएगा कौन। उनको ये चिंता नहीं हो रही थी कि कोई जीता हुआ जीव अंदर कैद है, उसको वहाँ से निकालना जरूरी है, किसी के जान बचाना जरूरी से ज्यादा उनको अपनी विंडो अच्छी लग रही थी। तो फिर जो भी है कैन, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फायर ब्रिगेड वालों ने हमारी बहुत मदद करी, वो कॉल पर पहुँचे और किस तरीके के उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत दिल से काम किया। तो फिलहाल दोनों कैट्स को बचा लिया गया था, ये बहुत अच्छी खबर है। और एक ब्राउन थी एक ब्लैक थी, ब्राउन निकलते ही एकदम भाग गई क्योंकि गेट खुला हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि दोनों कैट्स को हमने छोड़ना ही था, रखना तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ खा के कुछ खिला के मैं उनको छोड़ूं। तो बट उसको मैं ब्राउन वाली को कुछ नहीं खिला पाई क्योंकि किसी की लापरवाही की वजह से वो गेट खुला रह गया और वो एकदम बाहर निकल के और गली में भाग गई। लेकिन जो ये ब्लैक कैट थी इसको मैंने कुछ खाने को दिया ताकि एटलीस्ट हम इसको जब छोड़ रहे हैं तो इसका पेट भरा हुआ हो, क्योंकि 4-5 डेज से वो वहाँ पे बंद थे, पता नहीं उनको कुछ खाने को मिला नहीं मिला। तो मेरी ये था कि एटलीस्ट कम से कम इनका पेट भर जाए। गाइस, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है या कुछ होता है हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। मेरा इन लोगों से कोई नाता नहीं था, कुछ नहीं था, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे न्यूज़ मिलती है और मेरे ही एरिया का केस था तो मुझसे बिल्कुल सुनकर रहा नहीं गया और ऑफिस से उठ के आके जो मेरे से हेल्प हो सकी वो मैंने की। मुझे मेरा कज़न मिल गया था रास्ते में जो मेरे साथ यहाँ पर आया, तो सिर्फ मैं और मेरा कज़न ही थे और उसके आने से मेरे को बहुत हेल्प मिली। माना, माना नाम है उसका, तो उसके आने से मुझे बहुत हेल्प मिली। एक हिम्मत सी लगी कि साथ में कोई है, और कोई नहीं था, सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले थे। और ये देखो, ये ब्लैक कैट कितनी प्यारी सी है, लेकिन अंदर 5 डेज से बंद थी ना, तो आपस में इन लोगों की फाइटिंग भी हुई है तो काफ़ी चोटें भी इसको लगी हुई थी। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये दोनों वहाँ से बच गई। जब से पता चला था मुझे खुद नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था कि कहीं वो अंदर मर ना जाए, क्योंकि मेरे पास भी कैट्स हैं, मैं भी एनिमल लवर हूँ।